भाई बहनों, राम राम। चौपाल कार्यक्रम में आपको सबको स्वागत है। बदलता मौसम के मायने अपना पर्यावरण संरक्षण क्या कर सका हाँ, ये मैं थाने विशेष जानकारी देवाने पधारा है रविशंकर शर्मा साहब। संग्रमा साहब, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। आप सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक हैं और वन विभाग का बड़ा अफसर रहा है, तो साहब माने शर्मा साहब, बताओ पर्यावरण का ही है, ये बताओ। दर्शकों नमस्कार। तो पर्यावरण, अगर हम हमारे घर का एक पर्यावरण लें, तो हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं, जो घर में रहने वाले लोग हैं, अगर घर में कोई पेट रहता है, कुत्ता बिल्ली रहता है, उसमें अगर कोई बर्ड्स रहते हैं, वो जो उसके अंदर और भी कोई चीज़ें रहती हैं, वो सारे के सारे उस घर का एक पर्यावरण होता है। लेकिन अगर इसको वृहत स्तर पर लें, तो एक राज्य के अंदर पूरे नदी नाले, पहाड़, जंगल, जानवर, पशु पक्षी, ये सारे के सारे उस राज्य के एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम विश्व स्तर पर लें, तो ये पूरे के पूरे घटक जो कि पूरे विश्व के अंदर मौजूद हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, नदी नाले, तालाब, जंगल, पहाड़, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब मिलकर इस पर्यावरण को बनाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने देश स्वतंत्र होने के बाद से काफ़ी ध्यान देना चालू किया और पर्यावरण की महत्ता को समझते हुए कई तरह के अधिनियम पार्लियामेंट ने बनाए, कई राज्यों में भी इस तरह के नियम बनाए गए। तो उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण अधिनियम बनाए गए, उसके अंदर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जिसके अंदर की पानी का जो प्रदूषण उसकी रोकथाम की जाए और इसको किसी तरह से प्रदूषित नहीं किया जाए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसमें कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रयास किए गए, उसके अंतर्गत नियम अधिनियम बनाए गए। इसी तरह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए किस किस तरह की कई कई प्रावधान किए गए, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया कि वनों का संरक्षण किस तरह से हो, अनावश्यक रूप से वनों की किसी तरह से कटाई नहीं हो। नॉइज पोल्यूशन एक्ट बनाया गया जी। इस तरह से एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया कि वायु को किसी तरह से प्रदूषण नहीं किया हो। तो जनभागीदारी के बारे में बताओ कि पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी कितनी जरूरी है। देखिए, जनभागीदारी एक बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कार्यक्रम, किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए। और चूंकि पर्यावरण में हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, अभी जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला गया, जिसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इसमें हर आदमी जुड़े, जनभागीदारी हो, हर आदमी कचरा नहीं फैलाए, गंदगी नहीं फैलाए, कोई वेस्ट मटेरियल इधर उधर नहीं फेंके, अपने घर के बाहर का आसपास का एरिया साफ रखे। इसी तरह से ये भी एक पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का हिस्सा ही है। स्वच्छ भारत अभियान एक स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक कदम है। तो इसलिए हर आदमी इस कमिटमेंट के लिए कि मैं पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करूँगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखूँगा, तो डेफिनेटली हम एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, एक अच्छा पर्यावरण में रह सकते हैं। अब मैंने साहब ये बताओ कि पर्यावरण जो संरक्षण है, उनका मायने का ही प्रयास होना चाहिए, जी ये मार्गदर्शन बताओ। देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि पर्यावरण में एक ये है कि उसको मोटे तौर में कि बहुत ही एक डेलिकेट बैलेंस एग्जिस्ट करता है। पर्यावरण के अलग अलग घटक हैं उसके अंदर, और हम सभी लोग उसका उपभोग किसी न किसी फॉर्म में करते हैं। जैसे जंगल, खेती करने के लिए हम ज़मीन काम में लेते हैं, अगर मैं फैक्ट्री लगाने तब भी हम ज़मीन काम में लेते हैं, पानी का हम उपयोग करते हैं, लेकिन पानी का हम दुरुपयोग करना चालू कर देते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे करके वो रिसोर्सेज ख़त्म होते जाते हैं, उससे इम्पैक्ट आता है। तो नेचुरली जहाँ पानी कम होगा, जंगल कम हो गए, जंगल कम हो गए तो शुद्ध हवा देने की जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग है पेड़ पौधे, वो आपके कम हो गए, तो नेचुरली ऑक्सीजन कम होने लगी, तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन भी फैल गया। जंगल चूंकि वर्षा को भी अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ अच्छी रेंज होती हैं, जंगल होते हैं, चूंकि जंगल कम हो गए तो पानी कम बरसने लग गया, तो एक चक्र चल गया। अब चूंकि जानवर भी कम से कम जंगली जानवर तो पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं। अब जहाँ तक ये है कि बदलता जो मौसम है, पहले जहाँ पर ठंड पड़ती थी उन इलाकों का टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे मैंने सुना और देखा कि लंदन में टेम्परेचर कोई 18-20 डिग्री के आसपास रहता था, गर्मियों के अंदर वहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री तक पहुँच गया। तो ये जो है पर्यावरण और
बदलता मौसम तो पर्यावरण ही एक ऐसी चीज है जिसका हम संतुलन करके मौसम बदलते मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं। ओवरऑल हमें ये समझना होगा कि अगर हम हमारे पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं उनका संतुलन अगर हम ठीक से मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमारा मौसम विकराल रूप लेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह ज़्यादा खतरनाक होता जाएगा और पूरा का पूरी हमारी जीवन शैली और हमारी इकोनॉमी प्रभावित होगी। जी हाँ, आपने किसान भाइयों का एक सवाल है मेरे मन में कि अभी कहीं मौसम बदल रहे हैं जी, अब सर्दियों का मौसम शुरू हो तो पहले कहीं होता कि जी संक्रांत आती सर्दी कम होबा लग जाती, पर अब संक्रांत आते ही सर्दी और ज़्यादा बढ़ जावे। तो आपने जो रबी की फसलें हुए जी आप अक्टूबर नवंबर में बाकी बुआई करा और अब वो टाइम आगो फरवरी में जब पकवा ला गए और ये टाइम कोरो पड़वा लाग जावे, तो आप किसान भाई इनमें कहीं करें बन कहीं करनो चाहे ये विषय में आप थोड़ा सा बताओ कि भाई आपकी खेती बाड़ी ने सही रख सके। किसान भाइयों को मैं यही कह सकता हूँ इस स्थिति में कि चूँकि अब एक दो चीज़ें और मिल गई हैं कि कोहरा, कोहरे के साथ में प्रदूषित वायु स्मोक, तो वो दोनों मिलके बन गए स्मोग, तो ये ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ फसलों के लिए हो गई है। और उसके लिए तो ये कि एक बहुत लिमिटेड लेवल पर ये कर सकते हैं कि वो आग जला करके कुछ अपने आसपास की बाउंड्री के थोड़ा बहुत उसको दूर कर सकें फैला सकें, लेकिन प्रकृति के सामने ये बहुत कोई कारगर प्रयास नहीं हो सकता। कारगर प्रयास यही हो सकता है कि हम पर्यावरण को संतुलित रखें जिससे कि हमारा जो मौसम चक्र है और ज़्यादा नहीं बिगड़े। देखिए ऐसा है कि मृदा और जल ये दोनों ही पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं और ये दोनों के दोनों घटक ही हमारी प्रोडक्टिविटी, खासतौर से हमारे देश जहाँ की एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, काफ़ी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, पानी को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम है राजस्थान में, उसको संरक्षित करने के लिए कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो जब खास तौर से वर्षा का पानी जब गिरता है तो अभी भी पहले भी किसान करते रहे कि वो किसान अपने खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कर देते हैं, तो चारों तरफ मेड़बंदी कर दें जिससे कि जितना भी पानी गिर रहा है वो पूरा का पूरा उनके खेत में रहे और नीचे अंडरग्राउंड चला जाए जिससे कि वहाँ नमी बनी रहे और अगर उसमें कोई पानी कुआ या ट्यूबवेल है तो उसमें भी वो पानी रिचार्ज हो और उनको अवेलेबल होना चाहिए। तो इवन ए सिंगल ड्रॉप भी पानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि हम जो उपलब्ध पानी है उसको भी हम वेस्ट नहीं करें, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम आवश्यकता के अनुसार ही पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें, अधिक से अधिक हम बायो फर्टिलाइजर कंपोस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें यूज करें और पानी को भी अधिक से अधिक हम संरक्षित रखें और उसका सदुपयोग करें जिससे कि पानी की हमारे लिए कमी नहीं रहे। मैं आपको पूछना चाहूँ जी, आप बताओ कि जल की मतलब जल ही जीवन है, आप केवा भी आई बात नहीं, लेकिन सरकार कई प्रयास करिए जब प्लास्टिक की अगर आप थैलियाँ की बात करा तो लोग कहीं कर मन पानी कमाई ना डाल देवे, क्यों पानी कितना दूषित हुए है। दूसरा अपना जो पशु है वे भी थैलियाँ ने खा ले हुए, तो एक कितना नुकसानदायी है, आप हमारे दर्शका ने बात बताओ क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्लास्टिक की थैलियाँ सरकार तो बंद कर रही है लेकिन फिर भी कई दुकानदार चुप चुप भी में सामान देवे और अपन लेवा भी आ, तो वो कितना नुकसानदायी है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालो। देखो दो चीज़ें इसके अंदर, पॉलीथीन थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको डिस्करेज करने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम हम इसका इस्तेमाल करें, जहाँ कोई आवश्यकता हो उसकी इस्तेमाल हो। अभी जहाँ तक प्लास्टिक राजस्थान में भी बैन कर दिया गया लेकिन चोरी छुपे दुकानदार देते हैं, तो एक तो हम दोषी के ले लेते हैं, कोशिश हम ये करें कि थैला लेकर जाएं हम नहीं लें, लेकिन अगर हम ले लेते हैं तो उसके लिए उतने ही दोषी हम हैं पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। तो मैं तो अभी इसमें तो यही कहूँगा कि जो लोग लेते हैं वो भी दोषी हैं, जो लोग देते हैं वो भी दोषी हैं, और लोग जो डाल देते हैं वो डेफिनेटली एक प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं और इस प्रवृत्ति के ऊपर हमारे को सबको मिलकर के रोक लगानी है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण एक जन अभियान, एक विश्व स्तर का अभियान होना चाहिए जिसमें हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं किस तरह से इसको बेहतर कर सकता हूँ, किस तरह से सुधार कर सकता हूँ। नियम अधिनियम ये सब अपनी जगह बने हुए हैं लेकिन जब तक उनकी क्रियान्वयन नहीं हो, जब तक लोग उसको माने नहीं, जब तक उसकी पालना नहीं हो, जब तक उसका जो सही परिणाम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा।
बिल्कुल साहब, शर्मा साहब बहुत अच्छी बात बताई। कार्यक्रम का समय निर्धारित है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आप मार्गदर्शक भाई ने अच्छी जानकारी दी, इनको आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अल्केश कुमारी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।